नमस्कार, मैं मानसी गुलाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के एपिसोड में। आज हम एक्सरसाइजेस करेंगे डार्क सर्कल और आई बैग के लिए। सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंस क्या है, कौन से आसन करने चाहिए, और अगर आप इसको रेगुलर करेंगे, आप बिलीव करिए, आपको 7 दिन में इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे डार्क सर्कल के साथ में। डार्क सर्कल क्यों होता है? लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ एलर्जी। अगर हमें किसी भी चीज से एलर्जी होती है तो हमें डार्क सर्कल की समस्या रहती है। डार्क सर्कल के लिए हमें क्या करना है? आपको मेरे साथ में रोज फेस योगा के आसन करने हैं, साथ में आलमंड ऑयल से रोज सोने से पहले आपको सिंपल सी आई मसाजेस करनी है। तो शुरू करेंगे पहली एक्सरसाइज के साथ में जो डार्क सर्कल की समस्या को पूरी तरह दूर करता है। हर आसन को 3 बार जरूर करिए, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे वी आई पोज, होल्ड करेंगे। स्ट्रेच करेंगे नीचे की तरफ, ऊपर देखेंगे। जेंटल रोटेशन, दिस हेल्प टू स्ट्रेंथन योर ऑर्बिकुलर ओक्ली, योर आई मसल। आई मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसको करने से काले घेरे की समस्या तो दूर होगी, साथ में जिन लोगों को रिंकल्स हो जाते हैं उससे भी आपको निजात मिलेगा। तो चलिए एक बार और करेंगे इसको, होल्ड करिए। स्लाइटली स्ट्रेच इट डाउन, ऊपर की तरफ देखिए। वेरी गुड एक्सरसाइज, बिलीव मी यू आर गोइंग टू सी अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट। नाउ लेट्स फोकस ऑन आवर सेकेंड एक्सरसाइज विच वी कॉल बाइनोकुलर पोज। बाइनोकुलर पोज करने से आपके मसल स्ट्रेंथन होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। सिंपली अपने हाथ को बाइनोकुलर की शेप में इस तरह से प्लेस करेंगे। अब आपके फिंगर से आप ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे और थंब से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। देखिए ऊपर नीचे, आईज मोर वाइड। नाउ ब्लिंक योर आईज। ट्वेंटी काउंट करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, ग्रेजुअली वी कैन इंक्रीज इट। दिस इज द बेस्ट आसन दैट हेल्प टू कंट्रोल डार्क सर्कल। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आवर थर्ड एक्सरसाइज, दिस वी कॉल्ड आई लिड फॉर्मर पोज, अ वेरी वेरी गुड टू कंट्रोल डार्क सर्कल। एक फिंगर का गैप रखेंगे, धीरे से स्ट्रेच करेंगे, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। धीरे से स्ट्रेच करिए, ऊपर की तरफ देखिए और मेक अ स्मॉल ओ। कंप्लीट स्ट्रेच करने से एक्स्ट्रा फ्लूइड्स, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, और इसको करने से आप पाएंगे एक बहुत सुंदर सा निखार भी। तो चलिए एक बार और करते हैं इसको। स्ट्रेच कर रही हूं मैं पहले, ओके। तो चलिए करते हैं अपना आईलिड फॉर्मर पोज। स्लाइटली स्ट्रेच इट डाउन, ऊपर की तरफ देखिए, ओ। एंड रिलीज विद अ ब्यूटीफुल स्माइल।
अब हम करेंगे आई बैग के लिए। आपको मैंने डार्क सर्कल के लिए बताया, अब मैं आपको आई बैग के लिए बताती हूँ, पफी आईज के लिए बताती हूँ। पफी आईज की समस्या क्यों होती है? ये समस्या तब होती है जब आपका सॉल्ट इनटेक ज्यादा है। सो मेक श्योर अबाउट इट कि आप पूरा सॉल्ट इनटेक अपना कम करेंगे। 5 बजे के बाद सॉल्ट आप मत ही लीजिए अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए। साथ में पानी बहुत पीजिए, हर आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी पीजिए, अपनी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करिए। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छा सोइए। सोना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छा नहीं सोते हैं तो भी आपको आई पफिनेस की समस्या रहती है, तो इनको फॉलो ज़रूर करिए। तो चलिए बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आई रेज पोज, अपने थंब को यहाँ पे प्लेस करेंगे इनर कॉर्नर ऑफ योर आई, ऊपर की तरफ प्रेस करिए, नीचे देखिए। एंड रिलीज, रिलैक्स। इस आसन को करने से, यहाँ पे प्रेस करने से जिन लोगों को भी आई पफिनेस की समस्या होती है वो पूरी तरह दूर हो जाती है। तो चलिए अब हम दूसरा आसन करेंगे, इसको हम ब्लिंकिंग पोज बोलते हैं। आई पफिनेस को कंट्रोल करता है और जिनको आई बैग की समस्या रहती है वो भी आपको पूरी तरह इसका रिजल्ट मिलेगा। सिंपली अपने हाथ को इस तरह से प्लेस करेंगे, आई एक्सरसाइजेस इंटेंस होती हैं। ये जो भी एक्सरसाइजेस हैं, आप बिलीव मी, आप लोगों को इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक और एक्सरसाइज करेंगे हम आई के लिए जो आपके आई बैग की समस्या को पूरी तरह दूर करेगा। बहुत सिंपली अपने इंडेक्स फिंगर बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद आवर ब्रेन, यहाँ पे होल्ड करेंगे, वेरी लाइट मसाज। जैसे आपकी आईब्रोज की शेप है वैसे आप बहुत सिंपल मसाज करेंगे। आंखों को बंद कर लेंगे, वेरी जेंटल रोटेशन। एंड रिलीज। मैं आशा करती हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अपने विचार सुझाव हमसे जरूर शेयर करें। हम आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद।